हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TCS स्मार्ट इंटरव्यू अपडेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक ईमेल नहीं आई है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। एंड तीन पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में है कि भैया हमारे स्टेटस पे बैच आ रहा है, हमारे स्टेटस पे अप्लाइड फॉर ड्राइव आ रहा है, इनका क्या मतलब है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीजें हम कवर करने वाले हैं। मैं आप लोग को इंटरव्यू की मेल भी दिखाने वाला हूँ, मैं आप लोग को तीनों पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ, रजिस्टर्ड, अप्लाइड फॉर ड्राइव, बैच, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड जितने भी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, सो गाइज आज की वीडियो ध्यान से देख लेना। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल की ऐप से ऑलरेडी TCS के अंदर काफी स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। अब बारी आप सभी स्टूडेंट्स की, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू ईमेल दिखा देता हूं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि भैया क्या ये ऑफिशियल मेल है या ये फेक मेल है। सो ऐसी करके जो भी मेल आ रही है वो सारी की सारी ऑफिशियल मेल है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट TCS इंटरव्यू इनवाइट, TCS BSC इग्नाइट एंड स्मार्ट 2025 17 अप्रैल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट बेसिस योर इंटरेस्ट इन अ कैरियर अपॉर्चुनिटी विद अस एंड द सब्सिक्वेंट टेस्ट यू अपीयर्ड, जो आप लोगों ने TCS स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग का टेस्ट दिया था, ठीक है, उस टेस्ट के बेसिस पे जितने भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए, देखो अगर आपका एवरेज भी गया तो जितने भी स्टूडेंट्स का एवरेज भी गया उनको इंटरव्यू कॉल आई है। सो अगर आपका एवरेज भी गया है तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 99% चांस है कि आपको भी इंटरव्यू कॉल आएगी। अभी हर एक चीज़ हम समझने वाले हैं, अभी मैं TCS इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बता रहा हूँ वीडियो के एंड में। सो वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, बीच में स्किप करोगे तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एन स्मार्ट इंटरव्यू, योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड एज पर द डिटेल मेंशन्ड बिलो। सो ये कंप्लीट ईमेल आई है, मैं ईमेल नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको चीजें बता देता हूँ, 17 अप्रैल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में है कि भैया हमारे कॉलेज में ईमेल आई है, मेरे फ्रेंड्स को ईमेल आ चुकी है, मेरे फ्रेंड्स को इंटरव्यू की ईमेल आई है, बट अभी तक मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई है। सारे के सारे डाउट्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तीन चीजों का हर एक स्टूडेंट्स को डाउट है। एंड अपना स्टेटस, अप्लाइड फॉर ड्राइव आ रहा है, बैच आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्टेटस बताना है कि मेरा बैच आ रहा है भैया, मेरा अप्लाइड फॉर ड्राइव आ रहा है, मेरा रजिस्टर्ड आ रहा है, एंड जो भी आपके डाउट्स है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप अपने डाउट्स बताओगे तभी वे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊंगा। आप सब स्टूडेंट्स मेरी फैमिली हो, मेरा पार्ट हो, एंड मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपके डाउट्स है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। जितना मेरे से ट्राई होगा मैं उतना रिप्लाई करूंगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप पर्सनल भी ईमेल कर सकते हो, मैं इतना ही आप लोगों के लिए कर सकता हूँ जितना मेरे से ट्राई होगा। देखो बहुत सारी ईमेल हो जाती है, बहुत सारी कमेंट्स हो जाती है, बट जितना पॉसिबल होगा मैं उतनी कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हर एक डाउट, हर एक अपडेट, जो भी चीज आपके दिमाग में है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बतानी है। अब एक एक करके मैं बता देता हूँ, अगर आपके स्टेटस पर रजिस्टर्ड हो रहा है इट मीन्स कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, आपने रजिस्टर कर लिया है। अप्लाइड फॉर ड्राइव, कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द ड्राइव, अब आपने अप्लाई कर लिया है ड्राइव के लिए। बैच का मतलब क्या है, ये आपके लिए होने वाली है गुड न्यूज। जितने भी कैंडिडेट्स को बैच आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स, इट मीन्स यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आप बैचड में आ चुके हो। मतलब देखो फेज होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग होती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं हायरिंग के अंदर। मैं बता देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो रहा है TCS के अंदर, तो TCS मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एक दिन पे हो जाए। सो एक बैच के फॉर्म में TCS डिवाइड कर देती है, कुछ स्टूडेंट्स का 11 अप्रैल को हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का 12 अप्रैल को हो गया, लेट सपोज कुछ स्टूडेंट्स का 17 अप्रैल को हो गया, तो TCS ने क्या करा, बैच में डिवाइड कर दिया प्रोसेस को। सो अगर आपका बैच आ चुका है इट मींस विद इन 1 वीक और 2 वीक आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा
एंड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डायरेक्ट पहले दिन कल इंटरव्यू एंड पहले दिन ईमेल आ रही है कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है। सो मैं अभी के अभी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी वेट मत करो कब इंटरव्यू आएगा कब नहीं आएगा, अभी के अभी अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। द प्रोफाइल इज बेस्ट फॉर फर्दर प्रोसेस। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू रिसोर्सेज कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट पीडीएफ बनाई है, कंप्लीट पैकेज बनाई है, जिसके अंदर मैंने टीएसएस स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन मेंशन किया है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया है एंड एक शीट बनाई है टॉप 20 टीएसएस स्मार्ट क्वेश्चन करके। 100% गारंटी दे रहा हूँ, टॉप 20 शीट के अंदर से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। अगर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन नहीं मिले कमेंट सेक्शन के अंदर आगे बता देना, 100% गारंटी बता रहा हूँ। इस टॉप 20 शीट के अंदर मेरी एंड मेरी पूरी टीम की काफी ज्यादा एफर्ट लगे है इसको बनाने के अंदर, क्योंकि ये एनालिसिस की गई है 2024 की 2023 की, किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसको अभी का भी लेना है। अब चलते हैं पीडीएफ की तरफ। गाइस अब हम बात करने वाले हैं पीडीएफ के बारे में। डायरेक्टली आ जाना है आपको टॉपमेट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली रेफरल भी ले सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर एंड यहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा सकते हो। जैसे आप स्टूडेंट्स का अपकमिंग मॉक इंटरव्यूज है तो यहाँ पे आप अपना मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएगी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे, किसी से भी आप अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। अब आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप लोग के लिए कंप्लीट टीसीएस स्मार्ट के पैकेजेस बनाए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे अभी ले लेना। टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिसके अंदर दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने दो कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया है, जिससे आपको पता चल जाए किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं एंड ये 11 रुपीज़ की रहने वाले हैं। जस्ट आपको बताया बिल्कुल फ्री मान लो आप इसको, ठीक है। 11 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे नेम ईमेल एंड फोन नंबर बाय नाउ करना है। अब हम दूसरी पीडीएफ दिखा रहे हैं हम आपको, आप लोग को आ जाना है टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट इंटरव्यू मटेरियल्स। एंड गाइज ये कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल्स अमेजिंग होने वाला है, जिसके अंदर आपको एक टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, एक आपको कंप्लीट टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे विद आंसर एंड वन क्लिक रेफरल टेम्पलेट, जिसमें आप किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जस्ट वन क्लिक के अंदर रेफरल ले सकते हो, ये आप एक्सेस कर लेना। एंड टॉप 20 गारंटीड पीडीएफ जो मैं आपको बता रहा हूँ का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगी आपको गारंटीड करके अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे है गारंटीड टॉप 20 टीसीएस स्मार्ट क्वेश्चन एंड 100% इस टॉप 20 क्वेश्चन सीट के अंदर से आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं 100% कह रहा हूँ तो 100% ही आपसे इस पे से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे की सारी पीडीएफ अभी के अभी ग्रैब कर लेना प्रायोरिटी बेसिस पे एंड जितने भी स्टूडेंट्स को अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है मेरे साथ, मॉक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड भी आप अपना इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। अभी से ही अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये सारा का सारा पीडीएफ वाला मटेरियल्स अभी के अभी ले लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगा। सो अभी जाओ ये सारी की सारी पीडीएफ ले लो। गाइस अब हम कवर करने वाले हैं डाउट्स, ठीक है। पीडीएफ जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं अभी के अभी ले लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा। आई डिड नॉट रिसीव्ड मेल, सबसे पहला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है कि भैया मुझे मेल अब तक नहीं रिसीव आई है। सो मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब टीसीएस ने अपने रिजल्ट आउट किए थे तो कुछ स्टूडेंट्स के ही मेल आए थे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू की मेल आई थी, कुछ स्टूडेंट्स के ही रिजल्ट आउट हुए थे। बट धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की मेल आ रही है, बैचेस में आ रही है। तो डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम, आप लोग को कुछ वेट करना है, बहुत जल्दी आप लोग को भी मेल आ जाएगी एंड डायरेक्ट ईमेल आएगी, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, तभी मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज रिजेक्शन आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो रहा है, जो भी स्टूडेंट्स बेस्ट देगा उसका ही सिलेक्शन होगा। अभी से प्रिपरेशन करोगे तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे, लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है, माय फ्रेंड्स रिसीव्ड मेल फॉर इंटरव्यू बट आई हैव नॉट। तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपके फ्रेंड्स को आया है, डोंट वरी, वेट करो, आप लोग को भी इंटरव्यू मेल आएगा। विल टीसीएस सेंड रिजेक्शन मेल? यस, टीसीएस रिजेक्शन मेल जरूर भेजती है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, अब ये हम अच्छे तरीके समझने वाले हैं कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। सो अब हम बात करने वाले इंटरव्यू प्रिपरेशन की। सो मैंने एक टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू वन शॉट बनाया, टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू वन शॉट, इस वन शॉट को देख लेना,
चैनल पे जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे, अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड करूं आप सभी स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इस वन शॉट को देख लेना, रिकमेंड कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट को इस वन शॉट को देख लेना। जो मैंने अभी आप लोग को पैकेजेस दिखाए हैं, जो मैंने TCS स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का पैकेज दिखाया है, 4 क्वेश्चन भी जिसके अंदर है, वो आपको पैकेज लेना है, ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला आपको पता चल जाएगा, 2 कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पैकेज आप ले लेना। प्लस टॉप 20 गारंटेड उस पर लिखा है टॉप 20 एंड 100% आने वाला है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये रिसोर्सेस ले लेना, एंड रिसोर्सेस सिर्फ लेने ही नहीं है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एंड मैंने तभी इनका प्राइस भी बहुत मिनिमम रखा है, 11 रुपीज, मुझे पता है कुछ भी प्राइस नहीं है, ये फ्री बराबर है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो हमारी टीम के एफर्ट लगे हैं, दैट्स व्हाई टेकन सम अमाउंट, ठीक है। सो गाइस, अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहले रेज्यूमे पे इतना ज्यादा फोकस करना है, जो भी चीजें आप रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जावा मेंशन किया है, 100% इंटरव्यूअर जावा पे क्वेश्चन करेगा, C++ किया तो C++ पे क्वेश्चन होगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही मेंशन करना जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊप्स के अंदर आपके इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल पढ़ लेना, मैंने PDF के अंदर अच्छी तरीके से एग्जांपल भी दिया है, देख लेना आप लोग, ठीक है, इस वन शॉट को जरूर देख लेना। उसके बाद SQL अच्छी तरीके से कर लेना, जॉइंस वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ लेना, DBMS बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। ऊप्स SQL DBMS, ऊप्स SQL तो मस्ट है, चाहे आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन किया या नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मस्ट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड सम बेसिक एरे के क्वेश्चन कर लेना, एंड स्ट्रिंग के बेसिक कोड वाले क्वेश्चन कर लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन। एंड HR क्वेश्चन है, जो HR क्वेश्चन की PDF दिया है, वे HR क्वेश्चन कर लोगे सफिशियंट है, इतना काम आपको कर लेना है, 100% गारंटी है कि आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें कवर कर ली, डाउट्स भी आपके बता दिए, अपडेट भी मैंने बता दिए, एंड ईमेल मैंने आपको दिखा दिया। सो होप्स आपको कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।